आज हम अपने इस खेत में हैं। आज हम आपको ऐसी खेती के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे कि आप बहुत कम रुपए लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और वो खेती है परवल की खेती। परवल की खेती में एक एकड़ में 25 से 30 हज़ार खर्च करके आप कम से कम 7 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। हम बताएंगे आप कैसे 7 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। परवल की खेती करने के लिए खेत की तैयारी, पौधे के लगाने की विधि, कौन कौन सी खाद डालते हैं और लगाने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, इसके बारे में हम बताएंगे। किसान साथियों, परवल के पौधे को लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर महीना। अक्टूबर महीने में ठंड नहीं होती है, क्योंकि जब ठंड स्टार्ट हो जाती है तो इसके जर्मिनेशन में समस्या आती है। वही पौधा जो अक्टूबर में 10 से 12 दिन में जम जाता है, वही जब ठंड स्टार्ट हो जाती है तो वो जा कर के कम से कम 30 से 35 दिन में जा कर के वो जमता है। और इसको हम कई विधियों से इसकी खेती कर सकते हैं। एक तो सामान्य तरीके से, सामान्य तरीके में क्या होता है, हम पौधे को लाइन से लगा देते हैं। पौधे से पौधे की दूरी होती है 5 फुट और लाइन से लाइन की बीच की दूरी होती है 6 फुट। इस प्रकार से रखते हैं। कुछ चीज़ खेत पर भी निर्भर करता है, आपका खेत कितना कि उन्नतशील है, तो उसके हिसाब से भी हम पौधे का दूरी को थोड़ा घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा उपयुक्त खेत है तो उसमें ज़्यादा दूर तक पौधा जल्दी फैल जाता है। और जब जैसे कुछ हाईटेक विधियां हैं, हम एक मचान विधि से और दूसरा खड़ी विधि से, इन दोनों विधियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार इन चीज़ का इस्तेमाल करता है। जैसे कि जो ज़मीन पर सामान्य विधि से होती है, उसमें ज़मीनों में जो पौधा रहता है उस पर फल को तोड़ने में, उसी में चल करके पौधों को तोड़ते हैं, फलों को तोड़ते हैं, तो क्या होता है उसमें थोड़ा क्षतिग्रस्त होते हैं। और जो हाईटेक विधियां हैं, सामान्य विधियां हैं, वो हाईटेक विधियां हैं, चाहे खड़ी विधि, ऊर्ध्वाधर विधि हो और चाहे ये मचान विधि हो, ये देखने में भी ज़्यादा अच्छी हाईटेक लगती है। तो हमने आपको बताया कि इसके लगाने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर है, उसके बाद नवंबर भी उपयुक्त है, लेकिन उसके बाद का समय ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है तो जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। और इसमें कई प्रजातियां हैं, उसमें से हम कुछ मुख्य प्रजातियों के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे दूधिया है, नरेंद्र 360 है, नरेंद्र 260 है, राजेंद्र 1 है और स्वर्ण आलोकिक है। ये अच्छी प्रजातियां हैं। किसान साथियों, ये हमारी पुरानी प्रजाति है, नरेंद्र 260 है। इसमें देख रहे हैं आप कितने तेज़ी के साथ विकास हुआ है। एक एक पौधे में कम से कम 50-50 कल्ले निकले हुए हैं। जो पुरानी प्रजाति, पुराने पौधे हैं, उसमें कल्ले ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि उसका विकास जड़ें पहले से ज़मीन के अंदर में फैली होती हैं और पोषक तत्वों को ज़्यादा इजाफ करके देती हैं। जो नए पौधे होते हैं उनकी जड़ें उतना विकसित नहीं होती हैं, उनको तैयार होने में समय लगता है। और ये परवल की हमें फ़ायदा क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये 7 से 8 महीने तक फल देने वाली समय है। जब इतने लंबे समय तक फल देगी तो निश्चित है कि हमको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। केवल ठंडी के 4 महीने को छोड़ करके, चाहे बरसात हुआ और चाहे गर्मी हुआ, इन 8 महीनों तक हम इससे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इनसे फल मिलता रहता है। और एक फ़ायदा और भी है, अगर हम इसको एक बार लगा देते हैं तो हम इसको 3 से 4 साल तक यूज करते रहते हैं। किसान साथियों, अगर हम अपने सामान्य विधि से लगा रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, ये फुला हुआ या छोड़ देते हैं जिससे कि खरपतवार ना उगे, तो उसमें भी हमको
खर्च और भी कम लगता है, उससे भी हमको अच्छा फायदा मिलता है। किसान साथियों, हमांश लाइव खेती से बोल रहे हैं, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। आपको हम बता रहे हैं कि हमको इतना अच्छा फायदा कैसे मिलता है। इससे लगभग 200 से 250 कुंटल प्रति एकड़ तक हार्वेस्टिंग होती है 7 से 8 महीने में, और इसका मिनिमम प्राइस रेट थोक मार्केट 30 रुपये प्रति केजी होता है। तो हम अगर इसको 250 कुंटल को अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25,000 केजी, और उसको 30 से गुणा कर देते हैं तो वो हो जाता है 7.5 लाख। इस प्रकार से हम 1 एकड़ से लगभग 7.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। किसान साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।